सब्सक्राइब करें द 117 यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल 117 में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना डीलर चेंज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, घर बैठे आप अपना डीलर चेंज कर सकते हो। तो कैसे करना है तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा आज का पूरा वीडियो। और दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो वीडियो के नीचे आपको रेड बटन जो दिख रहा है उसे आप प्लीज़ प्रेस करके सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डीलर को चेंज क्यों करना पड़ता है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा आपको डीलर कब और किन केसेस में आपको करना पड़ता है, किन कारणों की वजह से। सबसे पहला चीज़, ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है कि उनका गांव कहीं है बट उनका जो डीलर नेम या फिर उनका जो राशन है वो किसी और डीलर के पास चला जाता है। दैट मीन्स उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका जो डीलर के पास उनका राशन चला जाता है तो वहाँ से ले जाने के लिए उनको राशन मतलब लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उन्हें। तो इन सारे केसेस में उन्हें डीलर को अपना चेंज करवाना रहता है, या फिर बहुत सारे लोग अपना एड्रेस मानिए चेंज होता है, या फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके वजह से आप डीलर अपना चेंज करवाना आपको पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो हमारा जो PDS झारखंड का PDS का वेबसाइट है ahar.jharkhand.gov.in, इस पर सबसे पहले हमें लॉग इन करना पड़ेगा। उसके बाद ये आप ऑप्शन जो है आपका ऑनलाइन सेवा, इस पर अपने कर्सर को हमें लेके जाना है। उसके बाद आप सेकंड वाले ऑप्शन ऑनलाइन आवेदन पे, फिर से उसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हर किसी में क्लिक करना पड़ता है कोई भी अप्लाई करने के लिए, इसमें भी सेम करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन आवेदन। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक नया विंडो खुलता है आपके सामने और फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो क्या क्या करना है, क्या नहीं, क्या क्या आपको जमा देना है, ये सारा चीज़ के लिए आप इसे यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद प्रोसीड पे आप क्लिक करना है सिंपली। अब आपको यहाँ से ऑप्शन चूज करना है कि डीलर बदलना, तो इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा डीलर बदलना पे। अब जैसे इसे सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए, अब आपके सामने दो चीज़ डालने के लिए ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। पहला चीज़ है राशन कार्ड का नंबर आपका क्या है जिसके लिए आप डीलर अपना चेंज करवाना चाहते हो, और सेकेंड ऑप्शन है आपका मोबाइल नंबर क्या है। तो चलिए मैं एक राशन कार्ड नंबर यहां से डाल लेता हूं, ठीक है। तो आप अपना राशन कार्ड नंबर डाल लीजिएगा, साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे कंप्लीट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन लेकिन आपको करेक्ट डालना पड़ेगा जो कि आपका ओरिजिनली है। तो उसके बाद आपको सबमिट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा सिंपली। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने सारा डिटेल्स यहाँ पर खुल जाना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो सिंपली यहाँ पे आप उन्हीं डीलर के पास अपना मतलब ये चेंज कर सकते हो, अपना डीलर चेंज कर सकते हो और उन्हीं डीलर के पास आप जा सकते हो जिनका राशन कार्ड टोटल में 300 से कम है। जिनके पास 300 ज़्यादा है उनके पास आप नहीं जा सकते हो, अपना डीलर चेंज करके उन्हें अपना सेलेक्ट नहीं कर सकते। जिनके पास कम है आप उनके पास जा सकते हो, जिनके पास ज़्यादा है उनके पास ओवरफ्लो हो रहा है उनके पास अब वो ले नहीं सकते, इसलिए आपको 300 से कम ही वाला का ऑप्शन मिलेगा। देखिए अभी आपको क्या करना है, ये सारा डिटेल्स आपके सामने खुल गया, आपको अपना डीलर सेलेक्ट करना है। इनमें से आपका नज़दीकी कौन सा है और जिसके पास जाके आपको फैसिलिटीज़ मिलेगा, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ उनको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख लो आपका नज़दीक क्या है और अगर आपके गाँव में जो है उनका यदि 300 से कम है तो आप उन्हें सिंपली सेलेक्ट कर लो। यहाँ से उन्हें आपको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं एक यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक से यहाँ से एक सिलेक्ट करा। उसके बाद देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी एक फैमिली मेंबर का आधार नंबर आपको पता होना चाहिए। तो और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक फैमिली नंबर का आपके पास आधार होना चाहिए। तो आपको वहाँ से उस फैमिली मेंबर जिनका आधार आपको पता है उसे यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद उनका आधार नंबर आपको यहाँ से डालना है, ठीक है। जो उनका आधार नंबर है वो आपको यहाँ से सिंपली डालना है। जैसे ही आप आधार नंबर डाल लोगे,
उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर ने आपने डाला है वहाँ पर उस पर एक OTP जाएगा, उसे आपको डालना है यहाँ पर। अगर OTP नहीं गया है तो आप यहाँ से रिसेंट OTP पे क्लिक कर सकते हो। रिसेंट OTP पे आप क्लिक करोगे और OTP को फिल करने के बाद यहाँ पर आप सेंड रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, सेंड रिक्वेस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका रिक्वेस्ट सेंड हो जाना है। और इसके बाद जो भी आपका कंफर्मेशन आता है, जो भी आपका पेज सामने आता है सेंड रिक्वेस्ट करने के बाद, उसे आप प्रिंट आउट निकाल लेना। आपको निकालना पड़ेगा उसका प्रिंट आउट। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी पेज आता है उसका प्रिंट आउट, जो कंफर्मेशन आपको एक नंबर मिलता है उसे आपको उस पेज को प्रिंट आउट करना है। उसके बाद आपको अपना राशन कार्ड का डिटेल्स, आपको अपना BSO या फिर DSO जो भी आपका सप्लाई ऑफिस है वहाँ जाके सबमिट करना पड़ेगा, या फिर अपने MO के पास आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा सारा चीज़। और साथ ही आप बेटर वे के लिए आप एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। आपको मतलब डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑफिस में जमा देना है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका काम होने से रहा। ये सेंड रिक्वेस्ट करने के बाद आपको वहाँ पर सारा प्रिंट आउट निकाल के आपका राशन कार्ड का जेरोक्स और एक फैमिली मेम्बर का आधार कार्ड, आप ये सारा डिटेल्स वहाँ पर जमा कर देना और आपका इजी वे में सब जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही है पूरा प्रोसेस अपने डीलर को चेंज करने का। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अगर किसी का गलती से आ गया है, तो आप इस तरीके से अपना डीलर जो है चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे अपना डीलर को चेंज करना है। और अगर आप फिर भी आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि दूसरे को भी पता चले कि डीलर अपना कैसे बदलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मे भी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम जैसे सॉल्व हो जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो इस वीडियो को। लाइक तो बनता ही है और कमेंट आपको ज़रूर करना है। आप जो भी प्रॉब्लम फेस करते हो उसके लिए आप कमेंट करो, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।